और राहुल, राहुल ना, रोहित, ये रोहित है जो कि गाना सुन रहा है अभी। और क्या क्या है दिखा हम लोगों को, देखे बाबू, अरे देखे थे। और एक ये आप देख सकते हो कि फूल गोभी है, बहुत बड़ा बड़ा फूल गोभी। सभी को प्यार भरा नमस्कार, मैं हूँ देवाशीष नायक और मेरे चैनल देवाशीष नायक ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और अभी सुबह के बज रहे 7:30 और मैं 7 बजे उठ गया था। 7 बजे उठने के बाद अभी थोड़ा बहुत मैं काम करूँगा, अभी दुकान भी मैंने खोला नहीं है, दुकान खोल के थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर दूँगा, उसके बाद एक्सरसाइज करने में चल जाऊँगा, क्योंकि आज थोड़ा काफ़ी दर्द दे रहा है, क्योंकि कल मैं एक्सरसाइज किया हूँ और आज मुझे फिर करना होगा, नहीं तो फिर दर्द देने लगेगा बॉडी। तो अभी फिलहाल मैं जाता हूँ उस तरफ। और मैं कैफ़े वाला रूम आ चुका हूँ और थोड़ा सा झाड़ू वगैरह मार देता हूँ। झाड़ू वगैरह मारने के बाद मैं उधर एक्सरसाइज करने के लिए जाऊँगा। यहाँ काफ़ी ठंडा लगता है, क्योंकि ये जो पट्टी है इसके नीचे जो है बहुत ज़्यादा पानी छूता है और इस वजह से पूरा ठंडा रहता है ये वाला रूम। इसमें, इस रूम में बैठना मतलब मेरे को पॉसिबल नहीं होता है, और ख़ास करके अभी ठंडा का टाइम है, गर्मी का सीजन में इतना ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि ये इसका हाइट ज़्यादा है नहीं ऊपर से, इसलिए। तभी तो फिलहाल मैं थोड़ा सा ये वाला रूम को पूरा झाड़ू वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद उधर जाऊँगा। अभी सुबह के 10:46 हो रहे हैं और अभी मैं नाश्ता इधर ही कर ले रहा हूँ आज खड़े खड़े, क्योंकि काफ़ी ठंडा लग रहा है मुझे। और आज बनी है मैगी, तो अभी मैं फ़िलहाल मैगी खा लेता हूँ, उसके बाद अपना दुकान खोलना होगा। बनी है मैगी जो कि यशोदा लेके आई अभी, और मैगी का कलर अच्छा लग रहा है, पता नहीं कैसा टेस्ट लगेगा, यूपी नूडल्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अभी 10:55 हो रहे हैं और अभी मैं अपने कैफे पर आ चुका हूँ। थोड़ा देरी पहले मैं मैगी खाया, वो सब मैंने 2-3 रिचार्ज कर दिया है, और अब फिलहाल मैं अपने कैफे पर हूँ। अभी तक मुझे कुछ काम नहीं मिला है, देखते हैं, काफ़ी लेट हो जा रहा है आजकल ठंडा का दिन में, और ऐसे भी बहुत दिनों के बाद मैं कैफे पर बैठ रहा हूँ, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम लोगों का जो कार्यक्रम था वो अभी स्थगित कर दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा समय अपने दुकान पर भी देना होगा। अभी दिन के 12 बज चुके हैं और अभी मैं जाने वाला हूँ खाना खाने के लिए, तो फिलहाल तो मैं अपना बोतल ले लेता हूँ। और आप देख सकते हो रतन इधर आया हुआ है, काफ़ी मुस्कुरा रहा है, और पैसा उठाने के लिए आया हुआ था। तो फिलहाल मैं चलता हूँ और इधर यशोदा रहेगी। मारे तब चल रहे डब्बा लेके हटाओ, रुको चिप्स लगाऊ छू। अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग जाने वाले हैं ईचा गांव, जो कि चलियामा के जस्ट बगल में ही है। तो फिलहाल हम लोग निकलते हैं, हम लोग भतीजी लोगों को पहुँचाने के लिए जा रहे हैं अभी। तो नया गाड़ी लेके जाएंगे, पुराना गाड़ी तो झंटू लेके जाएगा इन्हीं को छोड़ने के लिए। तो फिलहाल अभी हम निकलते हैं। इनके 2 बज रहे हैं और अभी मैं ईचा गांव पहुँच चुका हूँ, और ये ईचा गांव का जो भैया लोगों का घर है, घर के जस्ट पीछे साइड में मैं आया हुआ था, थोड़ा सा तालाब तरफ इधर देखने के लिए। और ईचा गांव हम लोग पहुँच चुके हैं और ये देख सकते हो श्रुति है, जो कि यहाँ पर बगान में है, और बहुत सारा यहाँ पर सब्जी लगाया गया है, मूला वगैरह है और लाल भजिया वगैरह है, पता नहीं क्या क्या ये सब लगाया हुआ है, बहुत सारा बागान बहुत मस्त टाइप का बनाया गया है। भैया घर में अभी मस्त टाइप का यहाँ पर मूढ़ी दिया गया है, और साथ में चिकन है, देसी चिकन, तो अभी खा लेता हूँ मैं चिकन और साथ में ये मूढ़ी। और अभी मैं ये भैया लोगों का बगान में आ गया हूँ ईचा में, और बहुत सारे चीज़ यहाँ पर लगाया गया है, लाल भजिया है, और उधर आप देख सकते हो कि मूली वगैरह है, बहुत जगह में यहाँ पर पूरा लगाया गया है साग सब्जी। और राहुल, राहुल ना, रोहित, ये रोहित है जो कि गाना सुन रहा है अभी। और क्या क्या है दिखा हम लोगों को, देखे बाबू, अरे देखे थे। और एक ये आप देख सकते हो कि फूल गोभी है, बहुत बड़ा बड़ा फूल गोभी है, यहाँ पर बहुत सारा लगाया गया है, और उधर धनिया पत्ता लगाया गया है। चलिए देखते हैं किधर धनिया पत्ता है, आसो 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 जल्दी आसो। एक किलो गई छा बैगन ना, अरे बाप रे, बैग एक बैगन करना। और देखिए छोटे छोटे बैगन यहाँ पर लगाया गया है,
साग वगैरह, टमाटर भी लगाया गया है लेकिन छोटा सा है पौधा टमाटर का। सर किस साग का सही है? पालक है ना। और आप देख सकते हो पालक है वो वाला साग, जूम करके दिखा रहा हूँ, जूम करके दिखा रहा हूँ, पालक है जो कि काफ़ी था, अभी ख़त्म हो चुका है, लगाया गया था पहले और अभी बैगन लगाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा लोकेशन है और यहाँ पर ईचा में डैम भी बनने वाली है लेकिन अभी तक बनी नहीं है। अगर डैम बन जाती तो यहाँ पर पूरा जलमग्न हो जाएगा, यहाँ पर आपको खाली सिर्फ पानी देखने मिलेगा। और रोहित शर्मा पाइप से यहाँ पर पानी दिया जाता है, ये देख सकते हो कि पाइप है और वहाँ पर नल है आगे में, खजूर का ना नारियल ताड़ गज है ना। और ये ताड़ का जो है यहाँ पर देख सकते हो कि पेड़ है, यहाँ पर गोबर वगैरह खाद के लिए रखा गया है, इसी से यहाँ पर दिया जा रहा है। अभी फूल गोभी जो है बड़ा नहीं हुआ, छोटा छोटा फूल गोभी है इसका, देख सकते हो पत्ता इतना बड़ा बड़ा सा है, ये फूल गोभी है। करीबन 3 बजने जा रहे हैं और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, मुझे सरायकला में भी कुछ काम से रुकना है, तो फिलहाल तो हम लोग निकलते हैं। अभी सरायकला में है और यहाँ पर मैंने अपना कपड़ा ले लिया है और सिलाई करवाने भी दे दिया है क्योंकि फटाफट मैंने दे दिया तो ब्लॉग भी बना नहीं पाए। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ उस जगह पर जहाँ पर मुझे थोड़ा सा पेपर लेना है। अभी शाम के 4:15 हो रहे हैं और थोड़ा देर पहले हम लोग पहुँचे घर और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा क्योंकि रास्ता जो है ना बहुत उबड़ खाबड़ वाला रास्ता था, उस पर हम लोग इतना लेट हो गया, आधा घंटा वाला रास्ता 1 घंटा हो गया, हम लोग को जाने और आने में 2 घंटा लग गया। तो फिलहाल तो मैं आ चुका हूँ अभी और थोड़ा सा अभी हाथ मुँह धो लेता हूँ, उसके बाद जाऊँगा उधर दुकान की ओर। शाम के 5 बज रहे हैं और अभी मैं अपना दुकान आ चुका हूँ और पता नहीं अभी क्या क्या काम होंगे क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर अभी मकर में जनवरी के टाइम में पूरा पर्व 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 और त्यौहार त्यौहार ही रहता है और इसलिए उतना ज़्यादा अर्निंग हो नहीं पाता अभी दुकान से, बट फिर भी हम लोग अब जब फ्री हैं और बहुत दिनों से मैं दुकान में बैठा नहीं हूँ इसलिए आज भी थोड़ा सा मैं दुकान में समय देने का कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैं मामा घर चल जाऊँगा कुछ दिन के बाद, फिर मैं टाइम दे नहीं पाऊँगा, तो अभी तो फ़िलहाल मैं थोड़ा सा दुकान में टाइम अपना देता हूँ। अभी रात के 10:20 हो रहे हैं और आज की वीडियो की मैंने एडिटिंग पूरी कर ली है, इसके ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।